ये खेत है और बहुत अच्छा सुहाना सफर लगता है एकदम, ठीक है। लोगों को ऐसा लगता बनता ये रोड है, किस तरीके का रोड है, बड़ा अच्छा लगता है ये समा। आप देख सकते हैं बहुत ग्रीनरी, बारिश गिरने के बाद में जो है यहाँ पर चावल की खेती लगी हुई है और बहुत अच्छा नज़ारा है। और आगे लेके चलते हैं हम आपको, देख रहे हैं Thank you.
गांव के अंदर से विरार के, और मैं यहां से निकला था मुमरा से कल्याण, कल्याण से फिर पड़गा जो 20-25 किलोमीटर है, फिर वहां से एक गांव के अंदर से, और वहां से अभी यहां पर हम लोग रुके हैं नाश्ता करने के लिए, चाय वाय पियेंगे यहां से, और फिर इसके बाद में यहां से निकलेंगे हम लोग। और मेरे साथ में मेरे दोस्त रह रहे हैं, हम दोनों साथ में हैं और निकले बस एक तफरी के लिए, और कुछ ढूंढ रहे हैं अगर कुछ मिल जाए यहाँ से नाश्ता करने के लिए। खड़े थे एक छोटा सा होटल है रास्ते में, अब देखते हैं। ये सुबह का वक्त है और पड़गा गांव के अंदर है एकदम लास्ट में, और यहाँ पर सुबह सुबह पहुँचे, बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ का, और बड़ा दिल खुश हो गया ये रोड पर ही हुआ है। अब आगे मुझे जाना है और देखते हैं कि यहाँ क्या कैसा सिस्टम है, गांव के लोग किस तरीके से रहते हैं। और ये तो सिटी के करीब ही है, कल्याण से कुछ 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर की दूरी पे। मैसेज है कि हम ये बता रहे हैं कि इस रास्ते में हमको कहीं भी एक बोर्ड नज़र नहीं आया कि विरार कितना किलोमीटर है, हाईवे कितना किलोमीटर है, यहाँ से सूरत कितना किलोमीटर है, और यहाँ से बजेश्वरी मंदिर कितना किलोमीटर है। ये हमको देखने के लिए प्रशासन को ज़रूरी है कि ये देखना होगा कि कितना, यानी यहाँ पर बोर्ड लाजिम है कि कौन सी जगह कितनी किलोमीटर पर है, ये चीज़ हमें मैसेज छोड़ रहे हैं। ये सुबह का वक्त है और हम पड़गा गाँव के अंदर है एकदम लास्ट में, पर सुबह सुबह पहुँचे, बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ का, और बड़ा दिल खुश हो गया ये रोड पर ही। आगे मुझे जाना है और देखते हैं कि कैसा सिस्टम है, गांव के लोग किस तरीके से रहते हैं। और ये तो सिटी के करीब ही है, कल्याण से